नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। पुरी जगन्नाथ पीठाधीश के जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के 81वां जन्मदिन अवतरण दिवस 16 जून को रायपुर में मनाया जाएगा। इसमें होने वाले कार्यक्रमों को लेकर आनंद वाहिनी के अध्यक्ष श्रीमती सीमा तिवारी, आदित्य वाहिनी के नवनीत तिवारी संयुक्त रूप से एक विशेष पत्रकार वार्ता में पंचायती राज न्यूज के श्री टीएस राव सर से कहा कि पूरा मठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य जी श्री निश्चलानंद सरस्वती रायपुर शहर में 10 जून से अनेक धार्मिक कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। 16 जून को शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी का जन्मदिन बंजारी धाम के आगे में रावण भाटा के सुदर्शन आश्रम में शंकराचार्य जी का अवतरण उत्सव मनाया जाने की जानकारी देते हुए कहा कि पूरे भारत से लोग रायपुर सुदर्शन आश्रम में पहुंचने वाले हैं। श्री शंकराचार्य जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। स्पेशली द ग्रेट हिंदू डिवोशनल गुरु निश्चलानंद स्वामी सरस्वती इज कमिंग हियर 11th जून 16th जून हिज 81 बर्थ एनिवर्सरी द ग्रेट सेलिब्रेटिंग वेरी फर्वसली गोइंग टू सेलिब्रेट यहाँ टू बंजारी धाम सुदर्शन आश्रम हियर विद अस श्रीमती सीमा तिवारी नवनीत तिवारी दोज हु बिलोंग्स टू दैट विच ऑर्गेनाइजेशन आनंद वाहिनी आदित्य वाहिनी द ग्रेट दीज आर द विंग्स ऑफ पुरी सरस्वती निश्चलानंद स्वामी सरस्वती विंग। मैडम आपने बिल्कुल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज जी का 81st बर्थ एनिवर्सरी 16 जून को होने जा रहे हैं, तो कार्यक्रम का विधि विधान कैसा रहेंगे? जी, पूरी शंकराचार्य महाराज जी का आगमन 10 जून को हो जाएगा यहाँ पर रायपुर में, और 12 जून को आश्रम में आप उपस्थित रहेंगे गुरुदेव शंकराचार्य भगवान जी। 17 तारीख तक आपका निवास रहेगा। 16 तारीख को उनका जो प्राकट्य दिवस, जन्म दिवस को ही प्राकट्य दिवस बोला जाता है सर महात्माओं का, उनका 81 उनका जन्म दिवस है, तो उसमें हम लोगों ने एक विशाल आयोजन जिसमें कि भारत के सभी प्रांतों से और नेपाल से भी भक्तजन आएंगे, शिष्यगण पूरे प्रदेश के रहेंगे। कार्यक्रम हो रहा है सुदर्शन संस्थान जो कि उनका आश्रम भी है रायपुर में रावण भाटा में स्थित है, श्री सुदर्शन संस्थान शंकराचार्य आश्रम जहाँ की यह पूरे कार्यक्रम संचालित होगा। तो प्रातः सत्र में 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रुद्राभिषेक का महान विशाल आयोजन रहेगा, जिसमें कि जनसामान्य के सबके सनातन मंदिरों की रक्षा के लिए एक विशाल पवित्र अनुष्ठान है, जिसमें कि 3,000 व्यक्ति भाग लेंगे, और इसी क्रम में मातृशक्ति को 5,100 मातृशक्ति वो लोग शोभा यात्रा के रूप में कलश यात्रा वहाँ तक बंजारी धाम से आश्रम तक निकालेंगे, और 11:30 बजे शंकराचार्य पूरी पीठ के उस मंच पर आएंगे और उनके द्वारा पूरे राष्ट्र को विश्व को एक स्वस्थ मार्गदर्शन वहाँ से प्राप्त होगा, और उसमें 20,000 के आसपास व्यक्तियों की वहाँ उपस्थिति रहेगी। तो आप चैनल के माध्यम से मैं चाहूँगी कि पूरी पीठ के जो शंकराचार्य महाराज जी का जो भव्य आयोजन हिंदू राष्ट्र को लेकर ही यह अभियान चलाया जा रहा है, और उसको राष्ट्रोत्कर्ष दिवस के रूप में पूरे भारत और एशिया महाद्वीप में इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में। तो आप सबसे, आप चैनल के माध्यम से, मैं सभी सनातनी मानविंदुओं के रक्षक भाइयों को और मातृशक्ति को समस्त समाज को आग्रह करूंगी इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर